اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. हमारी जो गुफ्तगू होगी वो होगी नबूवत और रिसालत पर। इस बात से हमारी आज की गुफ्तगू जो है शुरू हो रही है कि अक्सर अफराद, एक ग्रोह भी शुरू में पैदा हुआ और बल्कि ईसाई और दीगर अफराद भी इस बात पर एतराज़ करते हैं, मुसलमानों के और दीगर फ़िरक़े भी, कि जब आप ये कहते हैं कि हर बच्चा फितरत इस्लाम पर पैदा होता है और फितरतन हर बच्चे के अंदर खुदा शनासी का जज्बा पाया जाता है, तो फिर आखिर जब हर एक के अंदर मारिफत हक़ से शनासाई हर एक की फितरत के अंदर वैसे ही शामिल है, तो फिर अम्बिया को भेजने की क्या ज़रूरत है? ये अक्सर अफराद जो है सवाल करते हैं और एक देखा जाए तो एक अच्छा सवाल भी है। जब आप कहते हैं कि फितरतल्लाहिल्लती फतरन्नासा अलैहा वला तब्दीला लखल्क़िल्लाह, कुरान की आयत भी है, और जब आप ये कहते हैं कि कुल्लु मौलिदिन यूलदु अला फितरतिल इस्लाम, हर बच्चा फितरत इस्लाम पर पैदा होता है, वो तो उसके बाप और दादा जो है वो उसको यहूदी और नसरानी वगैरह बना देते हैं, तो फिर जब उसके अंदर खुदा शनासी का जज्बा है तो अम्बिया को भेजने की तो कोई ज़रूरत नहीं। तो उलमा ने कहा कि देखिए, हर एक के अंदर बिलकुवत तो ये पाई जाती है कि वो खुदा को पहचान ले, लेकिन इस कुदरत और कुवत को फेल में लाने के लिए कुछ शरायत की ज़रूरत है। अभी बताइए शरायत किन अफराद, कितने अफराद में पूरी होती है? नंबर एक, हाँ, अगर कोई भी शख्स खुदा की तक शनासाई और मारिफत उसकी हासिल कर लेगा अगर उन पांच शरायत पे पूरा उतर जाए, नबियों को अगर हम निकाल भी दें। नंबर एक, इंसान के अंदर कुवत मुशाहिदा हो और वो कुव्वत मुशाहिदा का सही इस्तेमाल भी करें, वो कायनात की चीज़ों पर गौर व फिक्र करें, अपने नफ्स के ऊपर गौर व फिक्र करें और खुदा की मारिफत हासिल करें। आप बताइए कितने ऐसे अफराद हैं कि जिनकी कुव्वत मुशाहिदा इतनी तेज़ है कि वो आफाक और अनफुस के अंदर, यानी कायनात के अंदर और अपनी ज़ात के अंदर जो है वो खुदा उसको देखें और खुदा की ज़ात को पहचानें। कितने ऐसे अफराद हैं? तो पहली शर्त तो बताइए किस आदमी के अंदर पूरी होगी। नंबर दो, उस शख्स के अंदर गौर व फिक्र का मादा हो और वह उस गौर व फिक्र से सही नतीजा भी अख़ज़ कर सके। देखिए बहुत सारे अफराद, आप बताइए कितने कायनात के अंदर अफराद पाए जाते हैं जिनमें इस लिहाज से गौर व फिक्र का मादा है, या गौर व फिक्र का मादा भी है तब भी वो उस गौर व फिक्र से सही नतीजा हासिल कर सके और वो उनकी फितरत बन जाते हैं। तो किस हद तक वो अपने ज़मीर को, तीसरी शर्त है कि उसका ज़मीर ऐसा हो कि वो बद असरात को कबूल ही न करे माशरे की। उलमा ने लिखा है कि कोई भी शख्स जिस हद तक कि आप कड़वे सिगार तक को पीने में लुत्फ महसूस करने लगते हैं, जिसे पहली दफ़ा में हर रोशन ज़मीर शख्स मुस्तरद कर देता है कड़वे सिगार को, लेकिन बाद में ऐसी आदत आपकी बन जाती है आप उसके बगैर रह नहीं सकते। एक शख्स है जो किसी ने आज तक मुर्गी भी कभी ज़बह नहीं की, वो बहुत दहशत खाता है मुर्गी को ज़बह करने से। एक कसाई जिसका दिन रात काम है उसके लिए मुर्गी ज़बह करना कोई ऐसी बात नहीं। तो आप देखिए कि माशरे मसलन, या उलमा ने एक और भी मिसाल दी, एक शख्स है उसको जज ने फांसी की सज़ा सुना दी और मसलन वो जो है फंदे के करीब आ चुका है, अब आपके दिल से पूछा जाए से तो आपने उसकी तमाम मुजरिम के मुतालिक कुछ भी ना, तो आपको खुद ब खुद उसके दिल में रहम का एक जज्बा उभर आएगा, लेकिन क्या वो रहम का जज्बा उस जज के दिल में भी उभरेगा कि जो उसके जराइम की तमाम तफसीलात से बाखबर है? आपके दिल में आपसे अगर पूछा जाए तो आप कहेंगे ना इसको माफ़ कर देना चाहिए, उतार के ले आओ बेचारे को सजा दी जाए। इसका मतलब है कि इंसान के ज़मीर माशरे के असरात से इस हद तक मुतफर्रिक किस्म के हैं, कभी भी आप उसके ऊपर रिलाई करके मारिफत हक़ नहीं तलाश कर सकते, नहीं कर सकते। अच्छा, उसके बाद ये अगली शर्त कि इंसान की कुव्वत इरादी इतनी ज़्यादा ताकतवर हो कि वो नफ्स के ख्वाहिशात और रुझानात का मुकाबला कर सके, क्योंकि अगर आपके दिल में ख्वाहिशात नफसानी ताज़ा हैं तो अव्वल तो वक्त तक पहुँचने ही नहीं देंगे, और अगर आप हफ्त तक पहुँच भी गए तब भी वो अपने इल्म के मुताबिक अमल करने से रोकती हैं ख्वाहिशात नफसानी। अब बताइए कायनात के अंदर कितने ऐसे अफराद हैं जिनके अंदर कुव्वत इरादी इतनी ज़्यादा मजबूत है कि वो अपने नफसानी ख्वाहिशात को कुचल देते हैं इस तरीके से? करोड़ों अरबों के अंदर मुझे ऐसे अफराद जो तलाश करके बता दीजिए कि जो अम्बिया और उनको अगर हटा दिया जाए तो उनकी तरबियत के बगैर ही वो इस नफ्सकशी के इस मरहले तक पहुंच जाए। और पांचवी चीज़, पांचवी शर्त और आखिरी शर्त, कि वो शख्स बगैर किसी इस्तदलाल अकली के हक बात तक पहुंच जाए और हर फितरतन हर गलत बात को मुस्तरद कर दे। ये पांच शर्तें अगर किसी शख्स के अंदर पाई जाएंगी तो हम कह सकते हैं अगर वाकई पांच शर्तें किसी के अंदर बदर्जे होता में मौजूद हो जाए तो चलें फिर उसको अम्बिया की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन जब कायनात में कोई ऐसा शख्स नहीं पाया जाता जिसके अंदर ये पांचों शर्तें इस लिहाज से आ जाती हैं कि उसके अंदर कुव्वत मुशाहिदा इतनी तेज़ हो,
कि वो कायनात में गौर व फिक्र करके खुदा तक पहुंच जाए, उसमें गौर व फिक्र का मादा इतना ज़्यादा हो कि उससे सही नतीजा भी अख़ज़ कर सके, सोसाइटी के उस पर असरात भी ना हो, क़ुव्वत इरादी इतनी ज़्यादा हो कि नफ्स की तमाम ख्वाहिशात का मुकाबला कर सके और बगैर किसी इस्तदलाल अक़ली के बगैर ही हक बात और मारिफत तक पहुँच जाए और फितरतन हर गलत बात को मुस्तरद कर देने की सलाहियत रखता हो। तो है ऐसा शख्स, तो जब भी खुदा ने किसी शख्स पर इस बात का मुकल्लफ भी किसी शख्स को नहीं बनाया है कि वो अम्बिया मुरसलीन के बगैर ही मेरी जो है इबादत और बंदगी शुरू कर दे, और लिहाजा इसी वजह से अम्बिया मुरसलीन के सिलसिले को जारी भी किया। तो सबसे पहली अकली दलील भी हो ही गई नबुवत और रिसालत के लिए। अच्छा, फिर उलमा ने एक और भी दलील दी। देखिए, बहुत एक आसान आयाम फहम मिसालों से बच्चों की भी समझ आ जाए। फर्ज कर लेते हैं एक मेज़बान ने कुछ मेहमानों को खाने के ऊपर एक दावत में बुलाया। मेहमान मेज़बान के घर का रास्ता नहीं जानते। अच्छा, रास्ते में दरिंदे भी हैं, छोटी छोटी पगडंडियाँ भी हैं, तारीकी भी है, भटकाने वाले लोग भी मौजूद हैं। अच्छा, अब मेहमान जो है वो मेज़बान के घर का रास्ता भी नहीं जानते, तो अब मेज़बान का फ़र्ज़ क्या है? एक तो ये एहतमाल मुमकिन है कि मेज़बान जो मेहमान को नज़रअंदाज कर दो, छोड़ो बुलाने की ज़रूरत नहीं, उसको कोई गौरत नहीं मेहमान किस तरह पहुँचेंगे, या ये कि मेहमान उनके लिए खाना ही ना पकवाए, या खाना पकवा लिया हो तो उसको फेंकवा दे, एक ये मुमकिन है चीज़। और तीसरी चीज़ ये मुमकिन है कि मेज़बान एक बेहतरीन किस्म के रहबर को मेहमानों को लेने के लिए भेजे और उसके हाथ में एक चिराग हो ताकि वो रास्ते की तारीकी को जो भी दूर कर दे, और उसके हाथ में कुछ हथियार भी हो ताकि वो दरिंदों वगैरह का मुकाबला करके मेहमानों को ले आए। उलमा ने कहा बिल्कुल यही मिसाल कायनात के अंदर भी पाई जाती है। खुदा ने कायनात आपके लिए बिछा दी है और उसने अपने पास सआदत अबदी की एक ज़ियाफ़त मुनक़िद की और अपने बंदों को उस तरफ बुलाना चाहता है, लेकिन बंदे उस तक पहुँचने का रास्ता नहीं जानते। रास्ते में शैतान मौजूद है, फाड़ खाने वाले दरिंदों की तरह से। रास्ते में शैतान मौजूद है, फाड़ खाने वाले दरिंदों की। रास्ते में जहालत, तारीकी और शिर्क की तारीकियाँ हैं और स्याही भी। तो खुदा ने ऐसे रहबर को भेजा है कि जिसके हाथ में मुअज्जे का चिराग है, ताकि जाओ और मेरे मेहमानों को सआदत अबदी की तरफ लेकर आओ। ये खुद एक नबुवत की जो एक बहुत अहम तरीन दलील उलमा ने आम फहम मिसालों के जरिए लिखी है। और तीसरी एक और भी दलील लिखी रसूल के लिए, एक अकली बिल्कुल एक दलील रसूल की रिसालत के लिए, और वाकई बहुत ही अच्छी, एक हद तक जो मौलाना मौदूदी हैं उन्होंने भी अपनी किताब के अंदर जो है इसको खासतौर पर लिखा, और वाकई अच्छी भी बहुत दलील कि अगर हम उठाकर देखें रसूल की ज़िंदगी को, आज से 1400 साल पहले का आप तसव्वुर दिमाग में लेकर आए कि ना वहाँ तार था, ना रेडियो था, ना मस्जिद थी, ना मदरसे थे, ना स्कूल थे, ना कॉलेज थे, किसी हर लिहाज से तारीकी थी। उस ज़माने के आलिम की मालूमात आज के जाहिल से भी कम थी। उस ज़माने का जो सिविलाइज आदमी भी शुमार होता था वो आज के एक मजदूर से भी कम शाइस्ता था। उस ज़माने में जो अखलाकियात समझी जाती थी वो उनसे हमारा ज़मीर नफरत करता है। ऐसी चीज़ उस आज के जो अवहाम और खराफात हैं वो ज़माने में हकायक समझे जाते थे। इस ऐसे ख़तरनाक तरीन माहौल में उस ज़माने में इंसान इतना जलील किस्म का हो चुका था कि किसी भी शख्स का परहेजगार होना उनके तसव्वुरी में नहीं आता था। किसी भी इंसान का खुदा रसीदा होना उनके दिमाग और तसव्वुर से ही बालातर बात थी। इतना इंसान अपने आप को भी जलील समझता था, जब भी अम्बिया का जो है इकरार भी नहीं करते थे वो लोग। उनकी औरतें बरहना होकर खाने काबा का तवाफ करती थी। वो शख्स, वो जो अफराद पाए जाते थे, इस हद तक उनके अंदर जिल्लत और पस्ती आ चुकी थी कि अपने बापों के मरने के बाद अपनी सौतेली माओं तक से शादियां कर लेते थे। उनके पास आला दर्जे की जबान तो थी, लेकिन उसके अंदर जो अखलाक़ी तसव्वुरात थे वो बहुत ही घटिया किस्म के थे। हर किस्म की जहालत, हर किस्म की असनाम परस्ती वो उनके अंदर पाई जाती थी। हर चीज़ को वो लोग पूछते थे। आप देखिए कि ये माहौल, उसके अंदर से फिर एक खुद ब खुद एक शख्स निकल कर आता है और ज़बरदस्त किस्म की फसी वाले गुफ्तगु शुरू कर देता है कि तमाम के तमाम अदीब और शायर जो है अरब हजरात के वो है दंग रह जाते हैं। वो शख्स चैलेंज देता है और बार बार चैलेंज देता है कि मेरे जैसा कलाम बना कर लिया, तमाम अफराद लाने से उसके जो है आजीज आ जाते हैं। वो शख्स के जिसने कभी तलवार को हाथ तक ना लगाया था एक बेहतरीन किस्म का सिपा सालार बन जाता है। जिसने कभी उस लिहाज से कभी गुफ्तगु ना की थी एक बेहतरीन किस्म का तहजीब नफ्स का बहुत बड़ा मौलवी में अखलाक बन जाता है। जिसको सियासत की कभी हवा भी ना लगी थी एक बेहतरीन किस्म का जर्नल और लीडर बन जाता है कि 12 लाख मुरब्बा मील पर मौजूद मुसलमान जो अफराद थे उनको एक निज़ाम के तहत ले आता है। जो बेहतरीन किस्म का जज भी और बेहतरीन किस्म का कानूनदान भी है। अब देखिए कि इतनी ज़्यादा कमाल सिफात रखने वाला शख्स, यानी बिल्कुल अकली एतबार से आप गैर मुस्लिमों के सामने भी पेश करें कि आप ये बताइए कि इतने तमाम कमालात रखने वाला शख्स ये बादशाह भी बन जाता है, तब भी ये वैसा ही फ़कीर का फ़कीर बना रहता है।
कि फूस के बने हुए घर में रहता है, बोरी के ऊपर सोता है, मोटा झोटा पहनता है, दिन भर जो है वो मखलूक खुदा की खिदमत करता है, रात रात भर खुदा की इबादत करता है। अच्छा, तमाम जब ये पैगाम अपने कौम को पहुंचाते हैं तो तमाम कौम इसके खिलाफ हो जाती है। जब तमाम कौम इसके खिलाफ हो जाती है तो आप देखें कि कोई इसको पत्थर मारे जाते हैं, इसको दरबदर किया जाता है, ये जिस जगह भी हिजरत करके पहुंचता है वहां भी वो लोग आ जाते हैं, हर एतबार से इसको अजियतें पहुंचाते हैं। क्या कोई झूठा शख्स किसी बेअसल बात के पीछे इस हद तक मसाइल बर्दाश्त कर सकता है? वो तो कभी का समझौता कर ले, कभी नहीं कर सकता। अच्छा, आप खुद देख लें, उलमा ने कहा कि जितने भी आप दुनिया में हीरोज गुजरे हैं, आप जब इस शख्सियत के सामने लाए जाते हैं तो बिल्कुल बौने मालूम होते हैं। अच्छा, आप खुद देख लें, जितने भी हीरोज तारीख के गुजरे हैं उनकी शख्सियत की चकाचौंध सिर्फ एक या दो शोबों पर महदूद है बस। कोई अगर सियासत का बाजीगर है तो अमल और तो वो फिक्र के अंदर बिल्कुल कमजोर है। किसी के अगर फिक्री कुव्वत है तो अमल नहीं कर सकता। किसी ने अखलाकियात और रूहानियत को ले लिया तो सियासत और मईशत को नज़रअंदाज कर दिया। किसी ने सिर्फ सियासत और मईशत को लिया तो अखलाकियात और रूहानियत को नज़रअंदाज कर दिया। कोई सिर्फ फौजी जहानत का पैकर है, किसी के पास सिर्फ सियासियात हैं, यानी एक या दो शोबों तक महदूद है। ये वाहिद वो शख्स है कायनात के अंदर पाया जाता है कि जिसके अंदर हर शख्सियत, यानी बल्कि उलमा ने लिखा है कि हर दौर के अंदर उतना ही जदीद और मॉडर्न नजर आता है जितना उसके पहले दौर में था। उतना ही मॉडर्न, आप कभी भी उनकी शख्सियत को कभी आपको दरकियान उसी उसकी शख्सियत नहीं लगी। हर माहौल और माशरे के एतबार से बेहतरीन किस्म का मॉडर्न आपको नजर आएगा। अब अच्छा देखिए, अब हम जिन फयाजी के साथ जिन भी शख्सियात को मेकर्स ऑफ द हिस्ट्री कहते थे, भाई ये तो बड़ी तारीख सास शख्सियत गुजरी है, वो असल में मेकर्स ऑफ द हिस्ट्री नहीं है, वो क्रिएटर्स ऑफ द हिस्ट्री है, तारीख ने उनको पैदा किया। हम देखते हैं कि जितने भी इंसानी तारीख के अंदर इनकलाबात आए वो सब के सब इस किस्म के इनकलाबात थे कि इनकलाब के लिए साजगार खुद ही फजा साजगार हो रही थी, उन्होंने सिर्फ एक एक्टर का पार्ट उसके अंदर प्ले किया और खुद ब खुद जो है वो इनकलाब आ गया, उसमें सिर्फ एक एक्टर का उन्होंने पार्ट प्ले किया। ये वाहिद शख्सियत थी कि उस जमाने बिल्कुल इनकलाब की, आप देखिए जहालत का इतना ज़बरदस्त माशरा कि जिसकी मैंने अभी थोड़ी सी तस्वीर कशी की, इसके अंदर कोई इनकलाब का कोई किसी भी एतबार से कोई ऐसा नुकता नहीं था जिससे इनकलाब बरामद हो सकता हो। इनकलाब के लिए कोई मवाद तैयार नहीं था कि जिसके बाद इनकलाब आ सकता हो, लोग बिल्कुल तैयार नहीं थे। इसने इतना ज़बरदस्त किस्म को अरब को कहा जाता है, इतनी वांज सरजमीन गुजरी है कि जिसमें सदियों से कोई काबिल जिक्र आदमी पैदा नहीं हुआ था, वहाँ इसने हज़ारों तहजीब नफ्स का दर्स देने वाले उलमा पैदा कर दी। वाहिद शख्सियत ने जिसने अपनी शख्सियत को पिघलाकर हजारों लोगों के दिलों के अंदर बिल्कुल जम कर दिया, इसको कहा जाता है कि ये था वो बेहतरीन किस्म का शख्स कि जिसको कहा जा कि हम कह सकते हैं कि ये जो है मेकर्स ऑफ द हिस्ट्री वाहिद शख्स गुजरा है। कि कोई साज कोई हालात ही ऐसे नहीं थे कि जिसके एतबार से किसी भी तौर पर अरब के अंदर इनकलाब आ सकता हो, और आप फिर उसकी शख्सियत को भी देख लीजिए। अब हर एतबार से जब हम देखते हैं, अच्छा अब आप खुद देख लीजिए कि कोई भी झूठा अगर शख्स है वो दूसरों का भी क्रेडिट जाली तौर पर लेने की कोशिश करता है, दूसरों के कारनामे अपने, जबकि आप आसानी उसके कारनामों का जो माखिज़ है वो पता कर सकते हैं, झूठा शख्स। और ये बार बार ये शख्स यही कहता रहा, हालांकि इसने कितने बड़े बड़े चैलेंज दिए, हत्ता कि अगर ये शख्स कहा जाता लोगों से, गैर मुस्लिमों से भी उलमा पूछते हैं कि तुम ये बताओ कि ऐसा शख्स के पास इतने ज़बरदस्त किस्म के कमालात कहाँ से आए, अगर आप ये कहें कि उसके अपने दिलो दिमाग की पैदावार थे तो हम ये कहेंगे अगर उसके दिल दिमाग की पैदावार ऐसे अफकार थे तो फिर उसको खुदाई का दावा करना चाहिए था। वो कौम और वो अफराद के जिन्होंने राम तक को खुदा बना डाला, जिन्हें कृष्ण को भी भगवान कहने से तामुल ना हुआ, जिन्हें हजरत ईसा को भी इब्नुल्लाह कह दिया, गौतम बुद्ध को भी अपना माबूद करार दे दिया, जिन्होंने दरख्त परिंदों पहाड़ों सूरज चांद सबकी परस्तिश कर डाली, अगर ये शख्स अपने आप को खुदा कहता तो कोई अमर माने नहीं था कि लोग उसका इनकार करते, लोग इसको भी खुदा मानना शुरू हो जाते। लेकिन ये फिर भी ये शख्स बार बार ये कहता रहा कि जितने कमालात मुझ में नजर आते हैं मेरे कमाल नहीं, ये जो मैं तुम्हें बार बार चैलेंज देता हूँ कि जैसी आयत या सूरा बना के लाओ ये भी मेरा कलाम नहीं, ये कोई क्रेडिट खुद लेने को तैयार नहीं, सिर्फ एक यानी इतना सच्चा शख्स है। तो क्यों ना हम इतने सच्चे शख्स के ऊपर ईमान ले आए, तारीख इस्लाम पूरी इंसानियत की तारीख में ऐसा कोई शख्स आप ढूंढ कर निकाल कर दिखा दें तो हम उसी के ऊपर ऐसा ईमान ले आएंगे। तो यहाँ तक उलमा ने बिल्कुल कहा कि अकली एतबार से भी हम पता चला सकते हैं कि अम्बिया का जो रास्ता है, देखिए ये भी उलमा ने एक दलील के तौर पर लिखी है कि अम्बिया जितनी भी अम्बिया के मुकाबले में हमेशा शैतानी कुव्वतें रही, इन शैतानी कुव्वतों की मुखालिफत से आप अम्बिया के रस्ते की सच्चाई को पा सकते हैं। आप शैतानी कुव्वतों के मुकाबले में देख लें कौन शख्सियात रही, वो तमाम अम्बिया आपको नजर आएंगे।
तो रसूल के लिए खासतौर पर एक अकली दलील और ये दो तीन चीज़ें जो मैंने छोटे छोटे बयान की, और हकीकतन हमारे जो ये तो सिर्फ एक तमीरी गुफ्तगू थी रिसालत के ऊपर, इंशाल्लाह कुछ इसके अखलाक़ी पहलू पे हम रसूल को जो हम अब नबी मानते हैं ये रिसालत के ऊपर या नबूवत के ऊपर जो एतक़ाद रखते हैं तो हमारी ज़िंदगी पर उसका क्या असर होना चाहिए। तो कोई फ़ायदा ही नहीं होगा कि बस हाँ बस मोहम्मद रसूलुल्लाह बस ये कह के हमारी जान छूट गई। तो यकीनन क्योंकि जब इतनी अहमियत है अक़ायद की और रसूल दीन की तौहीद अदल नबूवत इमामत क़यामत का इस लिहाज से मानना, अगर इतनी आसान सा खेल होता कि भाई वो तो काफिर भी कहते हैं हाँ भाई मैं तौहीद अदल नबूवत इमामत क़यामत को मान लूँ तो जान छूट जाती, लेकिन उसका हमारी ज़िंदगी पे क्या असर होना चाहिए इंशाल्लाह हमारी आइंदा की गुफ्तगू में भी बात आएगी। की गुफ्तगू तो हमारी मुकम्मल हो। النجم يا صاحب السماء النجم النجم